वेलकम टू माय चैनल। आज की बड़ी अपडेट आ रही है कि यूजीसी नेट के एग्जाम फिर से पोस्टपोन हो गए हैं। तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं कि कोविड-19 के कारण एग्जाम क्यों पोस्टपोन हुए और इसके एग्जाम अब कब और कितने दिन बाद होंगे। तो अगर हम हमारे चैनल में आप जुड़े रहेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसे अपडेट के लिए देखते रहिए। तो यूजीसी नेट के एग्जाम एनटीए यूजीसी कराची है, जिसके एग्जाम के फॉर्म 2 फरवरी को आ गए। ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया है जो 2 मई से 17 मई होने थे। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन भी आ गई है। इसकी एलिजिबिलिटी पास या अपीयर्ड मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट होती है। तो देखते हैं कि इसके एग्जाम की नोटिस क्या है। तो हम आपको पढ़ के बताएंगे कि इसके एग्जाम कब थे और कब पोस्टपोन होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षण मोड में 51 विषयों को कवर करते हेतु देश में 2 से 17 मई के बीच निर्धारित एग्जाम थे, लेकिन कोविड-19 के कारण अब ये एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। यही नोटिफिकेशन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फिर से पोस्टपोन हो गए हैं। तो इन्होंने इसमें बता रखा है कि इसकी डेट 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन बताई जाएगी। ये एग्जाम 81 सब्जेक्ट के लिए होता है, जिसमें लोग अपने पीएचडी और जीआरएस और नेट के थ्रू एलिजिबल होते हैं। तो यही थी एक अपडेट जो हमें आपको बतानी थी। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करके सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।